हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडीज ऑन। सो चल रही हैं जेई मेंस कम क्लास एलेवेंथ की क्लासेस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। कल तक बच्चों हमने कर लिया था स्पीड, आपको बता दिया था, और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म स्पीड से। तो यहाँ तक का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था हर्षिका लास्ट क्लास में। अवर लास्ट टॉपिक वॉज स्पीड, ओके। अब हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म स्पीड, आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में एक ही क्राइटेरिया है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस अगर ट्रेवल हो रही है, तो अगर आप यदि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लें, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। अगर आपके पास ये टाइम इंटरवल 1 आवर का है और 1 आवर में आपने एक फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी है x, अगले फिर 1 आवर में, मतलब आप 2 आवर तक पहुंच चुके होंगे, आपने फिर से डिस्टेंस ट्रेवल कर ली कितनी, x। तो आप कहां तक पहुंच गए, 2x तक पहुंच गए। बोलिए ऐसा। यस सर। यस सर। पहले आप यहां पर थे, फिर आप यहां पर पहुंच गए। सिमिलरली अगले आवर में भी आपने x ट्रेवल कर ली इन 1 आवर। यस सर। टोटल 3 आवर हो गए और यहाँ पर टोटल क्या हो गया, 3x हो गया। अब आप अपने कोऑर्डिनेट्स को मिलाएंगे, ये 1 आवर पे आपकी पोजीशन, 2 आवर पे, 3 आवर पे, तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी सर। यस, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा यूनिफॉर्म मोशन का, ओके, यूनिफॉर्म स्पीड का, कैसा होगा, लीनियर। कैसा होगा, लीनियर, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। सो इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स स्पीड इज सेट टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। बोलो क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलिए अब सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई बॉडी, इट इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को छोड़ करके कुछ भी हो, सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड दैट टाइम स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है। सो टिपिकली आई प्रेजेंटिंग अ ग्राफ हियर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मोशन। सी हियर। यस यस सर। स्पीड अलग है, फिर अलग हो गई, फिर अलग हो गई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यस और नो? यस सर। हाँ, ये देखिए हर मोमेंट पर स्पीड बदल रही है। यहां पर चलो कुछ समय तक तो कांस्टेंट थी, बट यहां एवरी मोमेंट स्पीड इज इंक्रीजिंग। बोलो यस और नो? यस सर। यस, नॉन यूनिफॉर्म। ये देखिए, ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है। So this is non-uniform or variable speed, and these are the graph of non-uniform speed versus time. Clear? Yes, sir. Clear. Distance time graph, and all these distance time graph representing non-uniform motion. Now, average speed. But in normal cases, when you take a vehicle and go to some place, और आप घर में आकर के कहोगे कि मैं इस स्पीड से आया हूँ, जैसे आप घर से चले 7 बजे, 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 7 to 8, ओके, 8 to 9 आपने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब 8 to 9, yes, sir. Yes, sir. में आपने 20 का ट्रेवल कर लिया। क्लियर? एंड 9 to 10 यू ट्रेवल ओनली 5 किलोमीटर। यस सर। ठीक है ना, कितना ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर। सो 5 किलोमीटर मतलब पहले 10 पे पहुंच गए थे, 10 से फिर आपने 20 ट्रेवल किया, मतलब 30 पर पहुंच गए थे, और फिर आप 5 किलोमीटर मतलब 35 पर पहुंच गए,
इन 10 सेकेंड, कहिए यस और नो, बोलो बेटा, समझ में आया? यस सर। हाँ, यहाँ पे आएगा। अब आप यदि इसको ज्वाइन कर दें ग्राफ को, 7 to 1 8 आवर में 10 किलोमीटर, देन एकदम से बूस्ट आ गया, 20 किलोमीटर का लिफ्ट मार दिया, फिर एकदम से स्लो पड़ गया, यस और नो? यस सर। सो आप यदि पर आवर स्पीड की बात की जाए तो फर्स्ट सेगमेंट में स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, बोलो यस और नो? हाँ सर। अगले सेकंड में, अगले आवर में स्पीड थी ड्यूरिंग 8 o'clock to 9 o'clock, 10 से लेके 30, मतलब एक घंटे में आपने 20 किलोमीटर चले हो, सो दिस इज 20 किलोमीटर पर आवर, यस और नो? यस सर। एंड हियर योर स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर, यस और नो? यस सर। यस सर। अब मैं आपसे पूछूं, गिव मी अ सिंगल स्पीड जिससे आप यहाँ पर आए हो, तो बोलोगे सर मैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से आया हूँ, तो आई कैन गिव यू द आइडिया ऑफ एवरेज स्पीड, एंड एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल एवरेज निकाल लो, तो पहली स्पीड है 10, अगली है 20, अगली है 5 का एवरेज डिवाइडेड बाई 3, ये सुनो? यस सर। एवरेज मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स डिवाइड बाई, जितने नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं उनको काउंट करके डिवाइड कर दो, बोले सुनो? यस सर। 10 + 20 = 30, 30 + 5 = 35/3 किलोमीटर पर आवर, क्लियर हुआ? हाँ सर। यस सर। ये एवरेज स्पीड है। अब इसका एक और अच्छा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, इतनी ज्यादा मेहनत करने से अच्छा है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ सर। टोटल टाइम, नाउ टोटल डिस्टेंस इन दिस केस 10 गया, 10 से 30 गया, 30 से 35, सो द टोटल फाइनल डिस्टेंस कितने किलोमीटर है? 35 अपॉन टोटल टाइम 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक, सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट डेल्टा टी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, 10 - 7, 35/3, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। किलोमीटर पर आवर, क्लियर? ओके। सो व्हेनेवर यू हैव मेनी मोर टाइप ऑफ स्पीड इन डिफरेंट डिफरेंट टाइम सेगमेंट, दैट टाइम द वैल्यू ऑफ द एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर? Yes, so write down the formula, V average, average speed equals to total distance upon total time. Yes sir. बन जाएगा? हाँ सर, बन जाएगा। Okay. Now, next कुछ अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं। हाँ सर। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस s1 s2 s3 विद स्पीड v1 v2 v3, देन एवरेज स्पीड ये होती है, समझ में? इफ अ पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्स डिस्टेंस s1 s2 s3 विद स्पीड v1 v2 v3, तो आपके पास एवरेज स्पीड ये बनेगी। कैसे बनेगी मैं आपको एक बता देता हूँ। ओके सर। सपोज आपके पास में फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट s1, डिस्टेंस s1 इन ए स्ट्रेट लाइन, एंड योर टाइम इज t1, एंड इन द सेकेंड हाफ डिस्टेंस इज s2, एंड योर टाइम इज t2, एंड योर टाइम इज t2। नाउ यस सर, यू नो द फॉर्मूला, एवरेज स्पीड V average equal to total distance S1 plus S2 and total time T1 plus T2. अब आपको पता है कि पहले हाफ में T1 टाइम तक में जो बॉडी की वेलोसिटी है वे है V1। और जो सेकेंड हाफ है उसमें बॉडी की वेलोसिटी है V2।
जो सेकेंड हाफ है उसमें बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, वी टू, ठीक है। हाँ तो क्योंकि अब आप देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है, कॉपी में बेटा फॉर्मूला लिखो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बोलिए यस और नो। सो ऊपर तो डिस्टेंस अपन को पता है एस वन प्लस एस टू, नीचे हम टी वन की जगह डिस्टेंस अपॉन स्पीड से एस वन अपॉन वी वन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एंड सेकेंड हो जाएगा एस टू अपॉन वी टू, क्लियर। हाँ तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, एस वन प्लस एस टू डिवाइडेड बाई एस वन अपॉन वी वन प्लस एस टू अपॉन वी टू बना। हाँ तो अगर मैं आपको बहुत सारे पाथ दे दूंगा, अगर मैं आपको काफी सारे पाथ दे दूंगा, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट दे दूंगा, सो वी एवरेज का फॉर्मूला बना करके लिखो बेटा, एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री प्लस एस फोर प्लस डॉट 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 डॉट, यस और नो। एंड टी वन के लिए कितना आएगा, एस वन अपॉन वी वन प्लस एस टू अपॉन वी टू प्लस एस थ्री अपॉन वी थ्री डॉट 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 डॉट, यस और नो। हाँ तो आपने कॉपी में बनाया कि नहीं बनाया, वी वन प्लस एस टू अपॉन वी टू प्लस एस थ्री अपॉन वी थ्री, क्लियर। ओके बेटा पीडीएफ ओपन कीजिए, देखिए नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इसमें, इफ द पार्टिकल ट्रेवल विद इक्वल डिस्टेंस एस वन इक्वल टू एस टू इक्वल टू एस, तो अगर पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो मैं दो को लेकर के बनाता हूं, हाफ हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस ले लो एंड अगला हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस ले लो, क्लियर। और हाफ डिस्प्लेसमेंट पहले वाले में वेलोसिटी वी वन और सेकेंड वाले में वेलोसिटी वी टू, क्लियर। नाउ एवरेज स्पीड इक्वल टू वी एवरेज वी ए वी जी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ऊपर हो गया टू एस, बोलो यहां आया ना, एस प्लस एस टू एस, एंड नीचे टोटल टाइम टी वन प्लस टी टू, क्लियर। टू एस अपॉन टी वन, बेटा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है कि नहीं होता, होता। तो फर्स्ट हाफ का टाइम टी वन जो निकलेगा वो एस अपॉन वी वन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। और सेकेंड हाफ का टाइम कितना निकलेगा, एस अपॉन वी टू। सो फर्स्ट हाफ का टाइम आ गया एस अपॉन वी वन एंड सेकेंड हाफ का टाइम एस अपॉन वी टू, क्लियर। सॉल्व कीजिए इसको, सो टू एस अपॉन एस बाई वी वन प्लस एस अपॉन वी टू। हाँ सर ऐसे ही कर इसको रहा था सॉल्व मैंने। करने के लिए हम ऊपर से एस कॉमन ले लेते हैं, नीचे से भी एस कॉमन ले लेते हैं, सो इट विल बी वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू, और यहाँ पे आ जाएगा टू, एस से एस कैंसिल, टू डिवाइडेड बाई वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू, एलसीएम लेकर के बन जाएगा टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर हुआ। यस सर हुआ, टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। यस सर, यस ये देखिए जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बना है, टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, क्लियर। यस सर, नेक्स्ट, इफ पार्टिकल ट्रेवल विद स्पीड वी वन वी टू वी थ्री ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी वन टी टू टी थ्री, देन एवरेज स्पीड इक्वल टू वी वन टी वन प्लस वी टू टी टू प्लस वी टी टी थ्री अपॉन टोटल टाइम, ये बन गया ऊपर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट में स्पीड अलग अलग है, सो वी वन स्पीड है फॉर द टाइम टी वन, तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, एस वन इक्वल टू वी वन टी वन, ऐसे एस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी टू टी टू, ठीक है ना। यस सर, यस सर, ऐड करके ये मिल जाएगा, क्लियर है। यस सर, हाँ ठीक है ना। यस, अगर आपके पास टाइम इंटरवल सेम है जो आपने निकाला है एवरेज स्पीड इस फॉर्मूले से,
वी इक्वल टू वी वन टी वन प्लस वी टू टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू. क्लियर? यस सर. अगर टाइम इंटरवल सेम है तो कैसे निकालोगे? वी इक्वल टू, अगर टी वन और टी टू सेम है, इफ टी वन इक्वल टू टी टू इक्वल टू टी, देन इट विल बी वी वन टी प्लस वी टू टी डिवाइडेड बाई टी प्लस टी विल बिकम टू टी. यस सर. टाइम सेम है ना? हाँ हाँ. तो टी कॉमन ले लूंगा, वी वन प्लस वी टू अपॉन टू टी, टी से टी कैंसिल, आंसर वी वन प्लस वी टू अपॉन टू. क्लियर? यस सर. हाँ, तो अगर स्पीड अलग अलग है वी वन और वी टू, बट इंटरवल सेम है टाइम के, तो आंसर आएगा वी वन प्लस वी टू बाई टू. एवरेज स्पीड कितने सारे फॉर्मूले? हाँ, एवरेज स्पीड के अलग अलग फॉर्मूले, तो जिसमें टाइम सेम है. यस सर. किसी में टाइम सेम नहीं है, ठीक है ना? यस सर. ओके, नेक्स्ट. व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड वी वन एंड वी टू, आपसे बोला गया जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है विद स्पीड वी वन एंड वी टू, देन एवरेज स्पीड. तो अभी अपन ने निकाला था ऊपर बेटा, वी इज इक्वल्स टू टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू. निकाला था कि नहीं निकाला था? हाँ सर निकाला. ये देखो, ये निकला हुआ था. यस सर. हाँ, इसको बेटा अगर आप रेसिप्रोकल कर दो इस रिजल्ट को, चलो करता हूँ मैं. V1 plus V2 upon 2V1. इस रिजल्ट को हम रेसिप्रोकल कर दें अगर, सो यदि ये हो जाएगा 1 upon V is equals to V1 plus V2 divided by 2V1 V2. Yes or no? हाँ सर, हो जाएगा. अब इस 2 को ले जाइए यहाँ, सो 2 upon V equals to V1 plus V2 upon V1 V2. So yes, 2 sir. upon V equals to V1 upon V1 V2 plus V2 upon V1 V2. V2 से V2 cancel, V1 से V1 cancel. Answer 2 upon V equal to 1 by V1 plus 1 upon V2. Done? Yes, sir. Okay. ये हो गया. Sir, इसको अपन V upon 2 is equals to V1 plus V2 भी लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते. क्यों? रेसिप्रोकल ऐसे नहीं होता, एलसीएम लेने के बाद होता है. अच्छा हाँ, ये सर, ये सर, उसका रेसिप्रोकल. हाँ, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो पहले इसको पूरा ओपन करो, तो फिर ये आ जाएगा. हाँ, यस सर. पीछे वाला आ जाएगा. हाँ ठीक है. यस सर. सारे रिजल्ट क्लियर करा दिए मैंने? यस सर करा दिए. वेरी गुड. अब बेटा हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की. अभी तक आपने देखी एवरेज स्पीड, देखी ना? हाँ सर. तो एवरेज स्पीड को लेकर के अब हम चलते हैं और इंस्टेंटेनियस स्पीड हम बनाएंगे. तो एवरेज स्पीड क्या थी? वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. क्लियर बेटा? यस सर. टोटल टाइम को अगर कोई आपके पास टाइम स्टार्टिंग टाइम टी वन है और स्टार्टिंग फाइनल टाइम टी टू है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एस वन प्लस एस टू, जितने भी पार्ट थे सबको जोड़ दिया, और टाइम टी टू माइनस टी वन, दैट इज कॉल्ड डेल्टा टी. बोलो यस और नो? यस सर. सो ऊपर है नेट डिस्टेंस और नीचे है डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. ये सुनो. सुनो. हाँ सर. बट अगर आपको किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है तो इस टाइम को सिकोड़ करके उस पॉइंट तक लेकर के आना पड़ेगा. बोलो ये सुनो. हाँ सर, लाना पड़ेगा. सो इफ वी लिमिट चेंज ऑफ टाइम टू जीरो, मतलब टाइम को सिकोड़ दो, उस समय एस नेट अपॉन डेल्टा टी बन जाएगा डी एस अपॉन टी.
डी टी, क्लियर है? डी टी सो डिफर इंस्टेंटेनियस स्पीड, याद रखना एस के ऊपर वेक्टर मत लगाना, नहीं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगा, ये डिस्टेंस चल रही है, डिस्टेंस फंक्शन है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्लियर? क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। ठीक है हर्षिका, आप जो डेली क्लास होती है आपकी, डेली क्लास YouTube लाइब्रेरी पे आ जाती है, पता है आपको? हाँ सर पता है। हाँ तो एक ऑफलाइन क्लास का लेक्चर पर डे आता है और एक ऑनलाइन क्लास जो आपका है उसका लेक्चर, दोनों का पर डे आता है, तो आप कभी भी इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक ना? जी सर। हाँ ये आपकी क्लासेस हमेशा रहेंगी, उस पर रिवाइज कर सकते हो। सो गाइज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद वेरिएबल स्पीड देन इट्स स्पीड एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इट इज कैलकुलेटेड एज लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, क्लियर? यस सर क्लियर। यस नाउ टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी, यस सर। ओके सो टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेलोसिटी यस्टरडे, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे पढ़ा दिया था, कुछ जरूरत ही नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, बता दिया था ना कल? टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड थिंग इज डायरेक्शन, यस और नो? यस सर। तो ना मैग्नीट्यूड बदले ना डायरेक्शन बदले, सो ऐसी वेलोसिटी जिसमें मैग्नीट्यूड फिक्स हो और डायरेक्शन भी फिक्स हो, और डायरेक्शन फिक्स हो गई मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही एक ऐसी डायरेक्शन होती है जो कभी बदलती नहीं है। यस सर। सो इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट सच अ वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्लियर? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यस सर। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कांस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, यस और नो? यस सर। तो मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में बस डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट रख दिया, बिल्कुल सही, बट इन वन डायरेक्शन। यस सर। यस क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मतलब वेलोसिटी नहीं बदलेगी। सो इफ अ ऑब्जेक्ट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डन? यस सर। यस नाउ डिस्कसिंग अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, सो सिंपल, इफ अ वेलोसिटी वायलेट द रूल ऑफ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट विल बी ऑटोमेटिकली व्हाट? योर माइक इज ऑफ। यस सर। इफ अ वेलोसिटी इज नॉट, इफ अ वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म इट मींस, यस सर, इट अंडरगोज एन इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यस और नो? यस सर। इट इज सेड टू बी मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, क्लियर? टाइम, यस सर। चलिए तो अब इसका यहां तक हमने कर दिया है वेरिएबल वेलोसिटी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी को हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहां पर मैं आपको एवरेज वेलोसिटी पहले बताऊंगा, एवरेज वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, अभी आपने देखा था एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यस और नो?